हमने ऐसा सुना है कि पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि और विश्व को यदि कोई संचालित करता है तो उसमें ग्रह और नक्षत्रों का एक बड़ा जो है उनका रोल होता है, एक बड़ी भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वो देश है जहाँ पर संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र को बहुत हद तक तरजीह दी जाती है। ऐसे में आज ज्योतिष के जो तमाम ऐसे अनछुए पहलू हैं उन्हें हम छूने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि ये जो वैश्विक महामारी का दौर है आखिर इससे कब हिंदुस्तान देश को मुक्ति मिलने वाली है। आज हम मुखातिब कराएंगे आपको देश के एक ऐसे चिरपरिचित चेहरे से, सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री भी हैं, विद्वान हैं, अध्यात्म की गहराइयों को जिन्होंने छुआ है और पूरे देश में अपनी एक बिरला, एक अनुपम पहचान वो रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं परम आदरणीय पंडित श्री सुरेश श्रीमाली जी की। श्रीमाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद। कहा जाता है कि श्रीमाली जी के श्रीमुख से जो निकले शब्द हैं वो अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाते हैं और उनका जो मूल भाव है वो जो जनता जनता है, जो जातक है या जो दर्शक हैं उनके हृदय को छू जाता है। कुछ ऐसा जादू है श्रीमाली जी के व्यक्तित्व में, शायद यही वजह है कि उनकी अब तक की गई जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो लगातार सही और सटीक साबित होती हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है कि मेरे जहन में तो है ही, जनमानस के जहन में भी है, ये जो कोरोना का काला साया है ये पूरे विश्व में इसने अपना कहर बरपाया है और भारत देश को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है, कब लगता है आपको अध्यात्म की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र क्या संकेत देता है, कब मुक्ति मिलेगी हमारे भारत देश को इस कोरोना के काले साए से? पहले तो एमपी न्यूज और हमारे सभी मध्य प्रदेश के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश की और स्पेशली इंदौर के लोगों की बोली इतनी मीठी है कि यहाँ आकर वैसे ही ऊर्जा बढ़ जाती है और महाकाल की धरती, वहां पर आशीर्वाद अगर किसी को मिल गया जी तो व्यक्ति के जीवन में कोई संकट कष्ट नहीं आ सकते। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया है, क्या आप ऐसा कोई रोग बता सकते हैं जो पूर्णतः खत्म हो गया हो? कोई भी रोग नहीं। तकरीबन 4 लाख वायरस इस वक्त सृष्टि पर है। हमारी जो बॉडी है, माइंड बॉडी सोल पर्सनैलिटी, ये कहीं ना कहीं वायरस जो मुक्त होने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अब ये नया वायरस आया है, इससे भी ज्यादातर लोग निकले हैं, क्योंकि याद रखिएगा ज्यादातर लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु बहुत कम हुई है और इसमें से निकले ज्यादा लोग हैं जी। और दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस जब 14 जनवरी 2020 में जब शनि ने परिवर्तन किया था जी, और अब वापस परिवर्तन होगा 18 जनवरी 2023 में, तकरीबन 1.25 साल तक बिल्कुल हम सबको कोरोना से कहीं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन पहली और दूसरी वेव में जितना खतरनाक और घातक ये रहा कोरोना वायरस, वैसा तीसरी वेव में नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जी। और दूसरी बात, दवाई लीजिए, वैक्सीन लीजिए। जिन लोगों को वैक्सीन हुई है उन लोगों को कोरोना का इफेक्ट बहुत कम हुआ है या ना के बराबर हुआ है। इससे दवाई ही उपचार है और साथ में हम सबको इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। महाकाल की धरती के आसपास हम रहते हैं, उनका उच्चारण करें, उनका नाम जपिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, निश्चित रूप से 1.25 साल बाद हम इससे मुक्त जरूर जाएंगे मैक्सिमम, और फिर ये जिंदगी का थोड़ा बहुत हिस्सा रहेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात है, हमेशा हमने देखा है कि एक सकारात्मक छवि जो है आपकी अंकित होती है हृदय पटल पर, और शायद यही वजह है कि आपकी जो सकारात्मकता है इसका जो विराटपन है वो पूरे देश में जो है एक अलग ही पहचान आपकी बना देता है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 1.25 साल तक तो हमें इसका कहना चाहिए संघर्ष करना पड़ेगा कोरोना से। यदि हम ग्रहों की बात करें, नक्षत्रों की बात करें, तो महाराज जी क्या मानते हैं आज के जो नौजवान हैं जो खासतौर पर पाश्चात्य संस्कृति से बहुत हद तक प्रभावित हैं, आप उनको कैसे अध्यात्म से जोड़ने के लिए एक कहा जा सकता है एक मिशन में जुटे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और आज के नौजवानों को ज्योतिष शास्त्र में उनका विश्वास बने, अध्यात्म से उनका लगाव बने, इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, कैसे ये कर पा रहे? ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखने से पहले खुद पर विश्वास रखना शुरू कर दीजिए आप जी, जी, जी। और याद रखिएगा, एक तो मनुष्य योनि है और दूसरा पशु पक्षी ये योनि है। आप कोई पक्षी का नाम बताइए, पशु का नाम बताइए जिन्होंने कोई डेवलपमेंट किया। चिड़िया 5,000 साल पहले जैसा घोंसला बनाती थी आज भी वो वैसा ही घोंसला बना रही है। ऐसा कोई घोंसला नहीं बनाए कि अब 4-5 कमरे बनने लगे हैं, अब बैल्कनी बनने लगी है, अब घोंसलों में लाइट आने लगी है। क्या चिड़िया ने कोई डेवलपमेंट किया है? शायद नहीं। सांप जैसा बिल बनाता था आज भी वैसे, कुत्ता जैसे खड्डे खोदता था आज भी वैसे ही कर रहा है। लेकिन मनुष्य को यह पावर दी है कि आप अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकते हो। तो युवाओं को सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके बाद आप ज्योतिष अध्यात्म के
विचार रख सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। दूसरी बात, जब तक आप वर्तमान नहीं जानेंगे आप भविष्य की कल्पना कभी नहीं कर सकते। मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी, जी, और मैं मनगढ़ंत बातें और कपोल कल्पित बातें कभी नहीं करता हूं, साइंटिफिक बात करने की ज्यादा कोशिश करता हूं। बिल्कुल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब आपकी डायग्नोज की हुई फाइल को देखते और कहते हैं कि भाई आपके ब्लड में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, श्रीमाली जी अगर आप ऐसे ही तेल घी खाते रहे तो एक दिन आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या किया डॉक्टर साहब ने, मेरा वर्तमान देखा, मेरी फाइल को देखा और मेरे भविष्य को बता दिया कि 6-8 महीने बाद आज आपने देखा सिद्धार्थ शुक्ला की कल डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो अब क्या करना चाहिए जी, हमने वर्तमान देखा फाइल में और भविष्य बता दिया हार्ट अटैक। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो मैं कहूंगा क्या वो तुम करोगे? तो मैं कहूंगा हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पास और कुछ आ रहे हैं जी। वो कहते हैं 5 किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए, ये खाइए, ये मत खाइए, ये दवाई लीजिए और इसका परहेज करिए, तो आप निश्चित मानिए मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, मेरी फिटनेस और मेरी पावर बढ़ेगी और उसके बाद मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं हार्ट अटैक में जाने वाला था, आज मैं इससे बच चुका हूँ। वैसे ही अगर हम अपनी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों को देख लें जी, जी, तो वर्तमान से आप भविष्य तय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए बहुत सारे लोग एक बात करते हैं जी, जी, कि कलयुग चल रहा है। किसी का कलयुग कैसा है और किसी का कलयुग कैसा, आप एक बात बताइए, जिसकी आज जॉब छूट गई उसने जो कल देखा था उसका तो आज कलयुग बुरा हो गया। बिल्कुल ठीक, लेकिन कल जिसने सोचा था काश भगवान मेरी जॉब लगा दे और आज उसकी जॉब लग गई, तो उसके लिए तो कलयुग रहा ही नहीं, उसके लिए तो ये पॉजिटिव चीज हो गई। तो कलयुग सिर्फ आपके मन और मस्तिष्क की धारणा है, आप चाहें जैसा आपका कल हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को ये पावर दी है। इसके युवा साथी सबसे पहले खुद की पावर को जानिए, उसके बाद आप देखिएगा जो भीतर चित्रगुप्त आपका बैठा है, जो गुप्त चित्र बन रहा है, वो निश्चित रूप से आपके भविष्य को शानदार बनाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ देर के लिए अगर ध्यान किया जाए, योग किया जाए, अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखा जाए, रोजाना रिसर्च की जाए, तो निश्चित बानी आपका जीवन अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ एक छोटी बात जरूर कहना चाहूंगा जी, सुबह आजकल के यंग साथी हैं जी, जी, वो सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, नमस्कार तो कम करते हैं, गुड मॉर्निंग ज्यादा बोलते हैं। ठीक बात, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ दोस्त, गुड का मतलब अच्छा और मॉर्निंग का मतलब है मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए। आप अखबार उठाकर देखिए, बहुत सारे लोगों फोटो आए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उठाओ ना, लेकिन हमारा फोटो उसमें नहीं आया। क्यों? कि भगवान ने एक मौका और दिया है दोस्त, कि आप उससे जियो, कल से बेहतर संघर्ष करो, कल से बेहतर रिसर्च करो, कल से बेहतर काम करो। और याद रखिएगा, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा जी, जी, कि अगर माँ बाबू जी की सही रूप में सेवा कर ली, उनके पैर पकड़ लिए, तो जिंदगी में किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप वही करिए जो आपके माँ बाबू जी और आपके संस्कार को मिला, और खुद की कीमत और खुद की जो नॉलेज इंटेलिजेंस है उसको पहचानिए और उसके बाद कुछ करिए। आपके पास बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, और जब ज्योतिष में हम जन्म कुंडली देख लेंगे वर्तमान में, तो आपका कलयुग बुरा नहीं होगा, कल का युग आपका सुंदर और सुखद होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बातों में भी गहराई है और शब्दों में जो है मूल भाव छुपे हैं। जानने वाला समझने वाला बहुत गहराई को यदि छू लेता है तो बहुत सारे संदेश इनकी बातों में जो है समाहित यहाँ पर नजर आते हैं। महाराज जी, अध्यात्म को क्या तनाव मुक्ति से भी जोड़कर देखा जा सकता है? 100%। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज लोगों में जिंदगी का जो संघर्ष है वो आपाधापी वाले युग में जी रहे हैं। आपने कहा कलयुग, मैं तो कहता हूँ ये आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और इसमें हर व्यक्ति अपनी आपाधापी में जो है लड़ाई लड़ रहा है, तो कैसे आपको लगता है कि अध्यात्म या ज्योतिष हमें तनाव मुक्ति की तरफ भी ले जाता है? सबसे पहले जी, तो आप या तो उस काम के पीछे पड़ जाएं जो आपने अभी तक पाया नहीं है और पाना चाहते हो जी, और अगर ऐसा नहीं है तो जो पा चुके हो उसमें खुशी ढूंढना शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज तय करें जी। जो मल्टी बिलियनर है क्या वो सब खुश है? महलों में रहने वाला आदमी भी डिप्रेशन में है और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला एक स्वस्थ जीवन जी रहा है। अपने जीवन की प्रायोरिटीज, आपाधापी, भाग दौड़, हाय पैसा, हाय मशीनी की तरह चल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आत्मिक संतुष्टि मिलना जरूरी है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपको रोजाना 10 मिनट तक स्पिरिचुअलिटी के लिए, कोई बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओम का एक ऐसा मंत्र है जो अगर 9 मिनट तक लगातार आप चैंट करते हो जी, क्योंकि ओम में आपको कोई बहुत पढ़ाई तो नहीं करनी है। बिल्कुल, तो उस वक्त जब आप आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान कहीं और भटकेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो जब आप मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करें और रोजाना मेरा कहना मानकर सिर्फ 9 मिनट तक, बिल्कुल ये उपाय करके देख लीजिए, आंखों पर एक पट्टी बांध दें, कान में रुई डाल दीजिए और मुंह को बंद रखें और हमिंग के साथ 9 मिनट तक आप ओम बोलिए और मन और मस्तिष्क में ओम बनाते जाइए। सिर्फ 21 दिन के भीतर, 21 दिन 9 मिनट रोजाना, इतना ही मांग रहा हूं,
उसके बाद आप कुछ और बन जाएंगे और वो सब कुछ पाने लग जाएंगे, या जो पा चुके हैं उस पर खुशी मिलने लग जाएगी। यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा रास्ता है। और एक छोटी सी बात, मुंह में सब कुछ समाया हुआ है। जब आप मुंह खोलते हैं तो अ बनता है, ऑटोमेटिक बनता है। बिल्कुल। जब आप मुंह खुला रखते हैं तो उ बनता है, और जब मुंह बंद कर देते हैं तो म बनता है। ये अ उ म, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। इसे सिर्फ 9 मिनट 21 दिन करके देखिए, फिर कंटिन्यू अपने आप करेंगे और आपके जीवन में एक ऐसा अलग जगेगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, और एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के सामने कोई कठिनाई आती है ना, तो उसमें से वो अवसर निकाल लेता है, क्योंकि सोच सकारात्मक है। और अगर सोच नकारात्मक है तो आपके सामने एक अवसर आएगा, उसमें से भी आप कठिनाई खोजेंगे कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ, आपके सभी दर्शकों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक गांव के सरपंच थे, उन्होंने काफी लोगों को इकट्ठा किया और फिर कहा कि ये एक ऊपर सीधा पहाड़ है, सीधी चढ़ाई है, इस पे जो सबसे ऊपर चढ़ जाएगा उसको मैं 1000 गाय और 1000 अशर्फियां भेंट करूंगा। गांव और आसपास के लोग सब इकट्ठे हुए, कुछ लोगों ने तैयारी की, कुछ थोड़े ऊपर चढ़े फिर नीचे उतर गए, कुछ लोग नीचे गिर गए, कुछ के परिवार वाले चिल्लाने लगे, भाई इकलौता बेटा है, कहाँ जा रहा है, मर जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन एक ऐसा लड़का था जो लगातार चले जा रहा था, वो ऊपर पहुंच भी गया और वापस नीचे उतर कर राजा के पास पहुंचते हैं, और राजा उसे 1000 गाय और 1000 अशर्फी देते हुए कहते हैं, भाई तुमने ये कमाल कैसे करके दिखाया। वो कोई जवाब नहीं देता। युवक दोबारा पूछते तो पीछे से उसके चाचा जी आते और कहते हैं, अरे साहब ये तो गूंगा और बहरा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, कि जो लोग नीचे गिरे और नीचे उतरे उनके आस पड़ोस के लोगों ने सबने ये कहा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम करोगे तो तुम पछताओगे, अधूरा छूट जाएगा। तो उन्होंने उनकी बात सुनी और वो नीचे आ गए। जो गूंगा बहरा था उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं थी, उसे सिर्फ भीतर की आवाज सुनाई थी और लक्ष्य दिखा कि मुझे यहां पहुंचना है, और वो पहुंचा। तो जिंदगी में उन लोगों की बातों पर विचार मत करिए जो हमेशा आपके साथ नकारात्मक बातें करते हैं। खुद के विचार, खुद के माँ बाबू जी के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ दर्शकों को बता दें कि जो पंडित सुरेश श्रीमाली जी हैं, उनकी जो वाणी है वो बड़ी प्रखर तो है ही, लेकिन बातों में जो गहराई है वो हमें जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का दर्पण, उनका तीनों का आईना जो है वो परिलक्षित करती है। और साफ तौर पर जो गहराइयाँ उन्होंने यहाँ हमारे साथ साझा की है, उम्मीद है कि जो आज के नौजवान हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, करियर बिल्डिंग में लगे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स की तलाश में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक जो कहा जा सकता है बड़ा मार्ग यहाँ पर प्रशस्त कराते नजर आ रहे हैं सुरेश श्रीमाली जी। यही वजह है कि लगातार सोशल मीडिया पर उनकी जो वाणी है वो शेयर की जाती है, लाखों की करोड़ों की तादाद में जो दर्शक हैं वो श्रीमाली जी की एक आवाज़ सुनने के लिए जो है आतुर नजर आते हैं। जाते जाते चूंकि समय अभाव है, महाराज जी को यहाँ से प्रस्थान करना है, ऐसे में क्या संदेश, क्या पैगाम एमपी की जनता के लिए, क्योंकि भारत का दिल कहा जाता है एमपी, और जहाँ हम बैठे हैं इसे एमपी का दिल कहा जाता है, यानी कि इंदौर, किस तरह से एमपी के दिल को आप यहाँ पर संदेश देंगे और भारत के दिल की धड़कन इसी तरह से बदस्तूर जारी रहे, क्या पैगाम आप देंगे। और कुछ लोग जो कि सवाल उठाते हैं अध्यात्म पर, चंद लोग जो कि सवाल उठाते हैं ज्योतिष शास्त्र पर, अंधविश्वास इसे बताते हैं, उन्हें कैसे यहाँ पर जो एक बड़ा और गहरा आप संदेश देकर जाने वाले हैं। पहले जानो जी और फिर मानो, बड़ी बात। जब तक आप जानकारी नहीं लोगे, जैसे क्या आप भगवान से कभी मिले हैं, भगवान का अनुभव वही कर सकता है जिसे उसे पाने की कोशिश की है। और अगर कबूल कल्पित बातें करेंगे तो क्या दूध में साफ घी और मक्खन दिखा सकते हैं, मुझे है तो उसके अंदर ही ना, लेकिन जब उसे मथेंगे बराबर तब उसे मक्खन और बाद में घी निकलेगा। वैसे ही अपने आप को जब आप साधना के पथ पर लेकर जाओगे तब आप अध्यात्म और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही ज्योतिष कोई कपोल कल्पित बात नहीं, पूरा गणित पर आधारित है। इसे पहले जानिए और उसके बाद मानिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। एक तो यहाँ का आध्यात्मिक संसार, अच्छी बोली, दूसरा अच्छा भोजन, ये दोनों बरकरार रखिए। महाकाल की धरती है और वैसे भी हम सब यही मानते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम यही प्रार्थना करें कि हम मध्य प्रदेश में और इंदौर में, आज हिंदुस्तान में सैकड़ों शहर हैं लेकिन ये अकेला नंबर वन कैसे है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का दिल भी साफ है और यहाँ के तन को और शरीर को और साथ में शहर को साफ करने की इच्छा शक्ति भी है, दूसरों में भी है, लेकिन हो सकता है कि महाकाल ने इनको आशीर्वाद ज़्यादा दिया। इसी तरह आप लोग हमारे दर्शक जुड़े रहें और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना वक्त दिया और हम सबको सुना है। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, ये तीन फॉर्मूले देकर जा रहा हूँ जी जी। इसके साथ जीवन जिए और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन को भगवान ने जीने के लिए भेजा है, काटने के लिए नहीं भेजा है। हर पल सिर्फ जीने का काम करें और हमारे साथ ऐसे बने रहें।
बिल्कुल ठीक बात है, जीवन जीने की कला भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं परम आदरणीय पंडित सुरेश श्रीमाली जी। और बातों ही बातों में बहुत जिंदगी के पर्दे जो हैं यहाँ पर बेपर्दा कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आज के नौजवान कैसे टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे सफलता की राह को प्रशस्त कर सकते हैं। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।